डिक्टेशन संकलन 156, 157 और 158, स्पीड 100 वर्ड पर मिनट, स्टार्ट। श्रीमान अपने अनुभव के पश्चात गेहूं के थोक व्यापार के संबंध में, जैसा मैंने पूर्व में भी बताया था कि अपनी गलत नीतियों के कारण सरकार अब चावल के थोक व्यापार से बाज आएगी, स्टॉप। परंतु मेरी समझ में नहीं आता है कि सरकार किस आधार पर ऐसी नीति निर्धारित करती है। हमने पहले सोचा था कि हमारी सरकार अच्छी है, सरकार का कार्य अच्छा है, शायद हमारी सरकार किसानों के हित में नीति निर्धारित करती है, वह भी साकार नहीं हो सका, स्टॉप। फिर सोचा कि उपभोक्ताओं के हित में नीति निर्धारित कर रही है, वह भी सच नहीं हुआ, स्टॉप। बाद में हमारी समझ में आया कि वह सिर्फ अपनी छवि बनाने के लिए नीति निर्धारित करती है, स्टॉप। लेकिन जब हम देखते हैं तो मालूम होता है कि यदि किसानों के हित में उसने यह नीति बनाई है तो उसका लागत मूल्य उनको मिलना चाहिए, तो उन्हें वह भी नहीं मिला, स्टॉप। यदि उसने उपभोक्ताओं के हित में नीति निर्धारित की है तो क्या उनको उचित मूल्य पर वे वस्तुएं उपलब्ध हुई है? और यदि उसने अपने हित में यह नीति बनाई है तो क्या सरकार के कार्यों की लोग प्रशंसा कर रहे हैं? प्रश्नवाचक। परंतु हम देखते हैं कि सरकार की किसी ने प्रशंसा नहीं बल्कि लोगों ने आलोचना की है, स्टॉप। शायद कॉमा उसने किसी के हित में अपनी नीति निर्धारित नहीं की है, उसी के कारण से उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं बन रही है, स्टॉप। यदि इस दृष्टि से विचार किया जाए तो 6 महीने में प्रदेश की स्थिति को देख कर सारी नीति को ठीक रूप से निर्धारण किया जा सकता था, स्टॉप। परंतु हम देखते हैं कि इस गलत नीति को बनाकर जनता को गुमराह किया जा रहा है, स्टॉप। केवल कुछ लोगों का हित किया जा रहा है और सत्ता में बने रहने के प्रयत्न किए जा रहे हैं, स्टॉप। मैं तो समझता हूँ कि गेहूं के थोक व्यापार के संबंध में अनुभव होने के पश्चात सरकार चेत जाएगी, और मुझे प्रसन्नता हुई जब एक बार खाद्य मंत्री जी ने चर्चा करने के लिए हम को बुलाया और हमसे यह कहा कि हमारे पास गोदाम नहीं है, कॉमा मिले नहीं है, कॉमा इसलिए हम चावल के व्यापार को अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं। मुझे उनकी बात सुनकर ऐसा लगा कि खाद्य मंत्री जी यथार्थवादी नीति पर चलेंगे, कॉमा। परंतु 10 दिन के पश्चात उन्होंने यह घोषणा कर दी कि हम चावल मिल अपने हाथ में ले रहे हैं और इस वर्ष तो नहीं अगले वर्ष तक चावल का व्यापार अपने हाथ में ले लिया जाएगा, स्टॉप। इस वर्ष चावल की जो नीति निर्धारित की गई है, कॉमा, उसके कारण सरकार किसानों को समुचित मूल्य नहीं दे पाई और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर चावल उपलब्ध नहीं करा पाई है, स्टॉप। मैं समझता हूँ, जैसा कि मैंने कहा, अपने दलगत स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए ये सारी नीतियाँ निर्धारित की जाती है। पिछले 8 महीने से अनाज की बड़ी अव्यवस्था फैली हुई है, स्टॉप। हमको बताया गया है कि हमारे पास पर्याप्त संग्रह नहीं है।
स्टॉप। लेकिन उत्पादन के आंकड़े यह बताते हैं कि उत्पादन इतना कम नहीं हुआ है कि जनता को 500 ग्राम अनाज राशन के रूप में दिया जाए। स्टॉप पैरा। पूरे विश्व के अंदर दया दिवस मनाया जाता है। स्टॉप। उस दया का दिवस, कॉमा, जिनके स्वभाव को सभी संस्कृतियों, कॉमा, धर्मों में उच्च अनुकरणीय मानवीय गुण माना गया है। स्टॉप। सभी लोगों की धारणा है कि दया भाव रखने वाले और जिस पर दया की जाए, कॉमा, दोनों को लाभ मिलता है। स्टॉप। यह भी कहा जाता है कि दया की भाषा मनुष्य ही नहीं, कॉमा, पशु भी समझते हैं। स्टॉप। दया की भाषा दिलों के भीतर पहुंचने के साथ साथ मत मतांतरों, कॉमा, वैमनस्य को मिटाकर उन्हें जोड़ देती है। स्टॉप। दया वह भाषा है, कॉमा, जिसे बधिर सुन सकते हैं और नेत्रहीन देख सकते हैं। स्टॉप। आज के दौर में, कॉमा, हर कोई कठिन संघर्षों से जूझ रहा है, कॉमा, सभी के लिए दया भाव धारण करना कठिन जरूर है। स्टॉप। फिर भी इसे सायास विकसित किया जाना चाहिए। स्टॉप। दलाई नामा कहते हैं कि जब जीवन की शुरुआत और अंतिम दौर में हम अन्य लोगों की दया पर निर्भर होते हैं, कॉमा, तब इस दौरान क्यों हम लोगों के प्रति दया बरतना भूल जाते हैं। प्रश्नवाचक। पवित्र कुरान में लिखा है, कॉमा, जो दया दिखाते हैं, कॉमा, उन पर दया बरसेगी। स्टॉप। संसार के महान लोगों ने यहाँ तक कहा है कि निर्दयी लोगों के प्रति भी दयावान रहें, कॉमा, उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। स्टॉप। दया के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दया का कृत्य छोटा नहीं होता। स्टॉप। यह माना जाता है कि दया का प्रभाव, कॉमा, तरंगों की भांति बहुगुणित होता रहता है। स्टॉप। स्नेह, कॉमा, प्रेम, कॉमा, सौहार्द के लिए हर व्यक्ति के मन में जितनी भूख आती है, कॉमा, उतनी शायद पहले नहीं थी। स्टॉप। यह भी कहा जाता है कि आप देने वाले बनिए, कॉमा, आपको लूट कर कई कई गुना फल मिल सकता है। स्टॉप पैरा। हमारे यहाँ दर्शनों में कहा गया है कि जीव अज्ञान के कारण ही बार बार जन्म लेता और मरता है। स्टॉप। इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाने का नाम मोक्ष है। स्टॉप। जब मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है, कॉमा, तब फिर उसे इस संसार में आकर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। स्टॉप। शास्त्रकारों ने धर्म, कौमा, अर्थ, कौमा, काम और मोक्ष जीवन के चार उद्देश्य बतलाए हैं। स्टॉप। इनमें से मोक्ष परम अभिष्ट अथवा परम पुरुषार्थ कहा गया है। स्टॉप। मोक्ष की प्राप्ति का उपाय आत्मत्व या ब्रह्मत्व का साक्षात करना बतलाया गया है। स्टॉप। न्याय दर्शन के अनुसार दुख का आत्यंतिक नाश ही मोक्ष कहलाता है। स्टॉप। सांख्य मत के अनुसार दैहिक, कॉमा, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों का समूल नाश ही मुक्ति का मार्ग कहलाता है। स्टॉप। वेदांत में पूर्ण आत्मज्ञान द्वारा माया संबंध से रहित होकर अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप का बोध प्राप्त करना मोक्ष का मार्ग कहलाता है। स्टॉप। तात्पर्य यह है कि सब प्रकार के सुख दुख
और मोह आदि का छूट जाना ही मोक्ष है। मोक्ष की कल्पना स्वर्ग नरक इत्यादि की कल्पना से पीछे की और उनकी उपेक्षा विशेष संस्कृत तथा परिमार्जित है। स्टॉप। स्वर्ग की कल्पना में यह आवश्यक है कि मनुष्य अपने लिए हुए पुराण व शुभ कार्य का फल भोगने के उपरांत फिर इस संसार में आकर जन्म ले, कौमा इससे उसे फिर अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ेंगे। स्टॉप। पर मोक्ष की कल्पना में यह बात नहीं है। स्टॉप। मोक्ष मिल जाने पर जीव सदा के लिए ये सब प्रकार के बंधनों और कष्टों आदि से छूटकर मुक्त हो जाता है। स्टॉप। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करें।